हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे कॉटन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स 2023 के एंट्रेंस के। इसके पहले 2022-2021 के पीवाईक्यूज मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियोज देख भी लिए होंगे और जो जितने भी सॉल्यूशंस है वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 का कॉटन यूनिवर्सिटीज़ के पीवाईक्यूज। होने के बाद हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के जिनके पास भी पेपर हैं 2021-22 और 2023 के, वो मेरे को सेंड कर दीजिए। एंड जैसे आपने मेरे को सेंड किया था 2023 का ये कॉटन यूनिवर्सिटी का, उसी तरह से डिब्रूगढ़ के और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के भी आपके पास हैं पीवाईक्यूज, तो वो भी मुझे आप सेंड कर दीजिए। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी नए व्यूअर हैं, जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, और जो पुराने हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चाहे आपका काम का हो चाहे नहीं हो, आपके लाइक करने से इन वीडियोस की रीच बढ़ती है, रीच बढ़ती है तो ये जिन लोगों को सच में इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक ये पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये मेरा काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, पॉसिबल हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में बोला गया है द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर है उसका फंक्शन क्या होता है। देखो मॉडरेटर क्या करता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो करता है। स्लो करने से जो न्यूक्लियर फिजन है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी। एक तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। सेकंड क्वेश्चन, इफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज एंगल थीटा, यदि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं किससे, क्यू से। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं किससे, क्यू से, और क्यू अगर थीटा है तो क्यू डॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा डॉट के इक्वल होगा। ठीक है, क्यू डॉट किसके इक्वल होगा, थीटा डॉट, और क्यू डबल डॉट किसके इक्वल होगा, थीटा डबल डॉट। यानी कि यहां से ये क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो ये होता वेलोसिटी, ये होता एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर ये थीटा है तो ये होगी एंगुलर वेलोसिटी, ये बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। तो अगर एंगल थीटा है तो जो जनरलाइज फोर्स का डायमेंशन आएगी वो किसके बराबर आएगी, टॉर्क के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ कॉमेट ऑफ मास एम मूविंग इन अ पैराबोलिक ऑर्बिट अराउंड द सन एन। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ, इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप या आपके कोई रिलेटिव कलीग आपके जानने वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स के लिए, तो आप उसके लिए मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है लक्ष्य 2025 आईआईटी जैम फिजिक्स। ये बैच जो है वो आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको लोअर फुटर में भी दिख जाएगा ऐप का नाम। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप बैच सर्च करिए, बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी के लिए इस पर डिस्काउंट प्राइस चल रहा है और इस बैच का जो प्राइस है वो केवल 5500 रुपीज ओनली है, यानी कि 5500 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो डेली क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी, जो कि लाइव के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। आपको 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो सके। क्लास नोट्स और साथ साथ डाउट सपोर्ट आपको पूरा इस बैच में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बाकी नॉर्थ ईस्ट की कोई यूनिवर्सिटी हो, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिनके एग्जाम अभी बचे हैं 2024 में, तो उनके लिए मेरे पास बैच है अभ्यास 2.0। ये बैच भी आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप एप्लीकेशन, दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। और इस बैच का जो प्राइस है केवल और केवल 1800 रुपए है, जिसे कि आप 100 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1700 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सॉलिड हो जानी है। अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस केवल 4500 रुपीज है। साथ ही साथ यदि आप टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम को या गेट एग्जाम को, अगर आप MSc में फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपका ड्रीम है CSIR नेट की प्रिपरेशन करना या CSIR नेट क्लियर करना, गेट एग्जाम को क्लियर करना, तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज गेट श्रेष्ठा 2025 बैच, जिसे कि आप केवल 10,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी नेट के अंदर आने वाले या गेट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराए जाएंगे।
इसके अलावा यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपसे बहुत लंबी प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, या मैंने पहले प्रिपरेशन की हुई है अब मेरे को केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है विजय श्री बैच। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चन तो मिलेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिलेंगे, फॉर्मूला रिविजन भी आपको साथ में कराया जाएगा। इस बैच का प्राइस अभी के लिए 3500 रुपए केवल है। इस 3500 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ये बैच 28th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं आगे वीडियो में। हेलो, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कंसीडर अ कॉमेट ऑफ मास एम मूविंग इन अ पैराबोलिक ऑर्बिट अराउंड द सन, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कॉमेट एंड सन ऑफ मास एम इज बी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कॉमेट। तो एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी यहां पर एस्केप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हो जाएगी 2gm/b। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट 2gm/r, तो ये हो जाएगा 2gm/b। अब यहां से ये हो गया m मास ऑफ कॉमेट, ये हो गया जी 2gm, 2g कैपिटल m अपॉन b, और r की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, r की वैल्यू हो गई b के इक्वल। तो यहां से r की वैल्यू हमने किसके इक्वल लिख दी, b के। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2gm/b, जो कि ऑप्शन हो जाएगा d। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, d, तो d विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का शॉर्टकट फॉर्मूला है 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन अंडर रूट v, ये क्या है, वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह से प्रोटोन के लिए फॉर्मूला होता है 0.286 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन, ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। हमें इनका रेशियो निकालना है, लैम्डा ई ओवर लैम्डा टी। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 12.27 अपॉन 0.286, ये लगभग आता है 42 के आसपास आता है, नियर अबाउट। 42 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 45:1, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कंस्ट्रेंट इक्वेशन विद द जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमें इसके कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखनी है। तो एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी, लेंथ होगी फिक्स होगी। मान लो यहां पर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो हमारे पास यहां पर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल, या इसको हम आर भी बोल सकते हैं। तो ये आर जो है ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आर क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगी वो क्या रहेगी, थीटा। थीटा क्या करेगा, यहां पर वेरी करेगा, थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, विच इज ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू बी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड थीटा वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द क्वार्क कंटेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। तो क्वार्क जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों हैं, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये ब्रेयोन नंबर होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ब्रेयोन्स होते हैं। अब मैं अगर प्रोटोन की बात करूं तो प्रोटोन किससे मिलकर बनता है, थ्री क्वार्क से मिलकर बनता है, जिसमें से दो होते हैं अप और एक होता है डाउन, दो होते हैं अप और एक होता है डाउन, तो UUD। और जबकि अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बना है, ये भी थ्री क्वार्क से मिलकर बना है, और ये तीन क्वार्क इसमें भी जो है वो क्या क्या है, एक अप है और दो डाउन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पर बोला है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट इन इररेस्पेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, करेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मास इज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मास इज कॉन्स्टेंट, तो पहला ऑप्शन तो आपका ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है बोथ वन एंड सेकेंड आर करेक्ट, थर्ड रॉन्ग, तो थर्ड सही स्टेटमेंट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। अब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है कि बोथ वन एंड सेकेंड आर रॉन्ग, जबकि सेकेंड सही है, तो सेकेंड भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बी भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। और फिर फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन मास नंबर ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
द लग्रेजियन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम, लग्रेजियन हमें दी हुई है, हमें क्या निकालना है, कैनोनिकल मोमेंटा। तो कैनोनिकल मोमेंटा हम कैसे लिखेंगे, कैनोनिकल मोमेंटा पी एक्स, अगर मैं एक्स के लिए लिखना चाहता हूं तो ये होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, डेल एक्स डॉट का मतलब है कि मैं लिख रहा हूं डेल एल अपॉन डेल वी एक्स, ठीक है। इसी तरह से पी वाई के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं डेल एल अपॉन डेल पी एक्स डॉट, तो पी एक्स अगर मैं निकालता हूं तो मैं लिख रहा हूं डेल एल अपॉन डेल वी एक्स। तो इसके लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से ये बनेगा टू से टू कट जाएगा, ये बचेगा एम वी एक्स, और यहां पर बनेगा ये माइनस ए वाई, माइनस ए वाई। सिमिलरली अगर मैं वाई के लिए जाता हूं तो ये बनेगा डेल एल अपॉन डेल वी वाई, और यहां पर ये बनेगा एम वी वाई, और ये बन जाएगा प्लस प्लस ए एक्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसका सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ऑफ मेटल एम वन इज 8 टाइम्स लार्जर देन द अनदर मेटल एम टू। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो गया 3 पाई स्क्वायर n, और पावर इसकी हो गई 2/3। अब यहां पर हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी बोले तो n की वैल्यू दी हुई है, एम वन इज 8 टाइम्स लार्जर देन द एम टू, तो ई एम वन अपॉन ई एम टू है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन वन अपॉन एन टू, और इस पूरे की पावर 2/3। अब एन वन अपॉन एन टू इसका जो रेशो है वो किसके इक्वल है, 8, तो ये हो जाएगा 8/2/3, 8 का मतलब हो गया 2/3, तो यहां से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4:1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 4:1, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिसको SH बोला है, ये कौन सी जो स्टैटिस्टिक्स है उसको फॉलो करते हैं, तो ये करते हैं मैक्स वैन बोल्ट्जमैन को। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स को लिखा है यहां पर SN, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं फर्मियोन, तो वो फॉलो करेंगे किसको, फर्मी ड्राइक को। फिर थर्ड नंबर पर हमें बोला है फोटोन, तो फोटोन जो है वो किसको फॉलो करते हैं, फोटोन फॉलो करते हैं किसको, बोस आइंस्टीन को। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रोटेशनल फ्लो एग्जिस्ट व्हेन द नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। बिल्कुल ठीक बात है कि इरोटेशनल फ्लो का मतलब है किसी भी आप वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जो है उसको जीरो कर दोगे तो वो इरोटेशनल है। आइडियल फ्लूइड में हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इरोटेशनल होगा, यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो रोटेशनल भी हो सकता है। तो दोनों ही ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, पर आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा जो बी, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ करियर कॉन्सेंट्रेशन, करियर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है यहां पर, और करियर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हमें यहां पर वैल्यू दी हुई है किसकी, एन की, तो एन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10^20। हमें क्या पूछा गया है, हॉल कॉफिशियंट निकालना है, तो हॉल कॉफिशियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/NE, ई हो जाएगा 1/10^20, और ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 1.6 × 10^-19। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0625, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का सर्किट दिखाया गया है, हमें बोला है कि करंट आई बी निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे करंट, और करंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे थेवनिन कॉन्सेप्ट, थेवनिन का, तो थेवनिन वोल्टेज निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो थेवनिन वोल्टेज के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि आर वन और आर टू दोनों किस में लगे, सीरीज में लगे हैं, दोनों सीरीज में लगे, तो यहां से हमारे पास करंट आ जाएगी, और करंट कितनी आ जाएगी, यहां पर वोल्टेज हो जाएगा वी सी सी, तो ये वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो यहां से हमारे पास ये बनेगा 15/40। अब हमें यहाँ R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ V2, तो V2 कितना हो जाएगा IR2, तो V2 हो जाएगा IR2, तो ये हो जाएगा 15/40 × 4, तो यहां से हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा, ये वोल्टेज आ जाएगा 1.5 वोल्ट। अब मैं क्या निकाल लूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि थेवनिन रेजिस्टेंस, थेवनिन रेजिस्टेंस कितना होगा R1 R2 upon R1 plus R2। अब R1 कितना है 36, R2 कितना है 4, और ये नीचे हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 3.6 kΩ। अब मैं ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज जो लगाऊंगा, तो कैसे लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा V2, ये वोल्टेज V2 है, यहाँ लिखूंगा माइनस IB
और ये हो जाएगा आर टी एच माइनस, फिर यहां पर ये सिलिकन का ट्रांजिस्टर है तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी बी ई माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आई ई और ये हो जाएगा कितना आर ई इक्वल्स टू जीरो। अब जो आई ई है आई ई वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बीटा प्लस वन और आई बीटा, बीटा प्लस वन आई बीटा, तो इसको आप चेंज कर लो वी टू माइनस आई बी इंटू आर टी एच माइनस वी बी ई माइनस, ये हो जाएगा बीटा प्लस वन इंटू आई बी और आर ई इक्वल्स टू जीरो। जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं इनको सब्सटीट्यूट कर दो अब यहाँ पर, ये हमने जो भी निकाली है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1.5, आई बी हमें फाइंड आउट करना है, आर टी एच की जो वैल्यू है वो हो गई 3.6 किलो, वी बी ई की वैल्यू हो गई 0.7, बीटा प्लस वन बीटा की वैल्यू 100 है तो ये हो जाएगा 101 और ये हो गया आई बी, और आर ई जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1.5 किलो ओम। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आई बी की वैल्यू हमें मिलेगी 5.177 म्यू एम्पियर, जो कि नियर अबाउट आ गया किसके, सी ऑप्शन के, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पर हमें बोला है आउटपुट वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग। अब देखो जर्मेनियम का जो हमारे पास डायोड है यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है जर्मेनियम पे वो कम है 0.3 वोल्ट है, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा है, वो कितना है 0.7 है। जहां पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा वहां से करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला सर्किट ले लो आप, ये ऊपर वाला सर्किट, तो वी नॉट की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 6 - 0.3, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 5.7 वोल्ट, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकलेगा, 6 - 0.7 और ये हो जाएगा -5i इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से i की वैल्यू हो जाएगी 5.7/5, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.41 मिली एम्पियर विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द करंट थ्रू रेजिस्टर 10 ओम। देखो यहां पर हमें करंट सोर्स दिए हुए हैं, तो करंट सोर्स को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वोल्टेज सोर्स में, तो है ना, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास ये करंट सोर्स बना हुआ है, ये 2 एम्पियर यहां पर करंट है, और इसके पैरेलल में लगा हुआ है क्या, पैरेलल में 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसको करंट सोर्स में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 4 वोल्ट, तो यहां पर वोल्टेज आ जाएगा किसका, 4 का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसकी पोलरिटी अपवर्ड आएगी, तो ये कितने का हो गया 4 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में, तो रेजिस्टेंस आ गया कितना सीरीज में, और वो आ गया कितना 2 ओम का। इसी तरह से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वोल्टेज सोर्स में, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर ये प्लस माइनस, यहां पर ये वोल्टेज हो गया कितना 4 वोल्ट, और यहां पर रेजिस्टेंस लग गया, ये रेजिस्टेंस कितने का है 2 ओम का, फिर उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस एज इट इज है कितने का है 20 ओम का, एंड देन ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, वोल्टेज सोर्स में, तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट, तो 30 प्लस माइनस, तो यहाँ 30 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस लग गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 10 ओम, और इस सर्किट को अब हमने इस तरह से बना लिया। अब यहां पर हम लगा देंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये बनेगा 4 - 2i - 20i - 10i और ये हो जाएगा -30 = 0, तो यहां से हम i की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी माइनस में, और वो आएगी -0.8125, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, हमें निकालना है कि 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर तो यहां से जा रहा है, और टोटल करंट जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो करंट थ्रो 10 ओम, तो 10 ओम में से करंट कितना निकलेगा, 3 में से हम माइनस कर देंगे। इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप या आपके कोई रिलेटिव कलीग आपके जानने वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JAM 2025 फिजिक्स के लिए, तो आप उसके लिए मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच का नाम है लक्ष्य 2025 IIT JAM फिजिक्स। ये बैच जो है वो आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको लोअर फुटर में भी दिख जाएगा ऐप का नाम। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप बैच सर्च करिए, बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, अभी के लिए इस पर डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, और इस बैच का जो प्राइस है वो केवल 5500 रुपीज ओनली है, यानी कि 5500 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो डेली क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी, जो कि लाइव के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है, आपको 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो सके, क्लास नोट्स
और साथ साथ डाउट सपोर्ट आपको पूरा इस बैच में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बाकी नॉर्थ ईस्ट की कोई यूनिवर्सिटी हो, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिनके एग्जाम अभी बचे हैं 2024 में, तो उनके लिए मेरे पास बैच है अभ्यास 2.0। ये बैच भी आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप एप्लीकेशन, दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। और इस बैच का जो प्राइस है केवल और केवल 1800 रुपए है, जिसे कि आप 100 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1700 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको बहुत सारे PYQs अवेलेबल होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सॉलिड हो जानी है। अगर आप CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस केवल 4500 रुपीज है। साथ ही साथ यदि आप टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम को या गेट एग्जाम को, अगर आप MSc में फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपका ड्रीम है CSIR नेट की प्रिपरेशन करना या CSIR नेट क्लियर करना, गेट एग्जाम को क्लियर करना, तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज गेट श्रेष्ठा 2025 बैच, जिसे कि आप केवल 10,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी नेट के अंदर आने वाले या गेट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपसे बहुत लंबी प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, या मैंने पहले प्रिपरेशन की हुई है अब मेरे को केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है विजय श्री बैच। इस बैच में आपको 1200+ क्वेश्चन तो मिलेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिलेंगे, फॉर्मूला रिविजन भी आपको साथ में कराया जाएगा। इस बैच का प्राइस अभी के लिए 3500 रुपए केवल है। इस 3500 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ये बैच 28th of June से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं आगे वीडियो में, जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें बोला है LCR सर्किट टू बी डेड बीट। डेड बीट के लिए क्या कंडीशन होती है? नॉन ऑसिलेटरी कंडीशन होती है। तो फॉर डेड बीट इसको आप नॉन ऑसिलेटरी कंडीशन भी बोल सकते हो, नॉन ऑसिलेटरी। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसके लिए कंडीशन होती है R² upon 4L² should be greater than 1 upon LC। और अगर हमें ये पूछा जाता कि ऑसिलेटरी बताइए, तो उस केस में ये चेंज हो जाता, यानी कि उस केस में लिखा जाता 1 upon LC upon L² upon 4R². तो हमें तो किसका पूछा है? डेड बीट का। तो डेड बीट का ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन सीरीज LCR सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है और वो है 900 हर्ट्ज। उसके बाद जो पावर पॉइंट्स होते हैं उनके लिए ओमेगा 1 की वैल्यू है 845 हर्ट्ज और ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो है 955 हर्ट्ज। तो सबसे पहले तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 900 upon 110, तो ये वैल्यू बनेगी 8.8118। और उसके बाद बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ जो है वो हो जाएगा W2 - W1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 हर्ट्ज, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ जो इंडक्टेंस है वो लगा के दिए हैं, सेल्फ इंडक्टर्स। तो इस केस में देखो दो केस बनते हैं। दो केस कैसे बनते हैं? एक बनता है ऐसा वाला, एक बनता है ये वाला केस, जब ये पैरेलल में लगे होते हैं। दोनों इंडक्टेंस जो इसमें लगे हैं पैरेलल में लगे हैं और करंट का जो फ्लो है वो सेम हो रहा है, यानी कि यहां पर भी जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है और यहां पर भी जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। तो अगर ये केस बन रहा है तो उस केस में हमारे पास एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है L1 L2 - m² अपॉन ये हो जाता है L1 + L2 + 2m, है ना, अगर ये दोनों सेम केस में हो। और अगर ये एक भी अपोजिट हो जाए, मान लो एक साइन यहां पर अपोजिट में चला जाए, ऐसे चला जाए, तो उस केस में ये नीचे वाला साइन जो है वो माइनस का हो जाता है। तो उस केस में आंसर आ जाता है हमारे पास L1 L2 - m² upon L1 + L2 - 2m, यानी कि ये जो 2m लिखा हुआ है इसके साइन चेंज होंगे दोनों केस में, तो यानी कि +-2m में आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। तो यहां पर सबसे पहले तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है म्यू आर और एप्सिलॉन आर। म्यू आर की वैल्यू हमने ले ली 1, कंसीडर कर ली। एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 9, तो ये आ गया एन की वैल्यू 3। अब रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट की बात करें तो रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट होता है 1-n/1+n, तो ये हो जाएगा 1-3/1+3, तो ये हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 0.5। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.5 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता ट्रांसमिशन कॉफिशियंट, तो ट्रांसमिशन कॉफिशियंट के केस में आप फॉर्मूला लगा दे 2/1+n, तो ये बनता है किसका? ट्रांसमिशन कॉफिशियंट का। ठीक, तो ये थे क्वेश्चंस 2023 एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस कॉटन यूनिवर्सिटी के। 2021-22-23 तीनों के ही मैंने डिस्कस कर लिए आप लोगों के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के। जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें भी कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।